हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पल के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एमसीक्यू बेसिकली डिस्कस करेंगे। इसमें 29 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन डील करते हैं। बेसिकली आपके जो 11th का एंट्रेंस जो भी टेस्ट हैं उसमें काम आने वाले हैं। 9th और 10th का जो कम्बाइंड आता है कुछ जगहों पर, कुछ पे 9th का नहीं आता, 10th का आता, तो वो आप बेसिकली एमसीक्यू देखते हैं वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। कह रहे हैं किसको क्रिस्टल बना सकते हैं आप, ठीक है। तो क्रिस्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल में कौन कन्वर्ट हो सकता है, आप बैक्टीरियम, एन अमीबा, और वायरस, आ स्पर्म। तो बेसिकली याद रखिएगा, ना तो बैक्टीरिया हो सकता है, ना अमीबा, ना स्पर्म। बेसिकली जो ऑप्शन सी है आपका, वायरस, सी पे लगाना था, डी पे लग गया बेसिकली, सॉरी फॉर दैट। तो सी इज़ करेक्ट, वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ठीक है। वायरस क्रिस्टल फॉर्म में ही होता है, और क्रिस्टलाइज उसकी प्रोटीन जो है क्रिस्टलाइज नेचर की होती, याद रखिएगा। तो वायरस को क्रिस्टलाइज बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर वन का क्या हो गया, सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, अ सेल विल स्वेल अप इफ, कह रहे हैं सेल स्वेल अप कब होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम। कह रहे हैं क्या सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा बाहर से, अगर अंदर ज़्यादा है बाहर से तो क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर फ्लो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। बी ऑप्शन क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन द सेल। अब देखिए, अगर कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होगा और अंदर कम होगा तो वाटर कहाँ फ्लो होगा, अंदर की तरफ, तो सेल स्वेल अप हो जाएगा। तीसरा क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेम एज द सेल एज इन द सराउंडिंग मीडियम, दोनों अंदर बाहर अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो ये आइसोटोनिक कंडीशन है बेसिकली। सी जो है आइसोटोनिक कंडीशन है, और ए हाइपरटोनिक है, और बी जो है हाइपोटोनिक। तो बेसिकली इसका जो आंसर है बी इज़ करेक्ट, हाइपोटोनिक में सेल क्या करता है, स्वेल अप कर जाता है, कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है और फ्लो कहाँ की तरफ होता है, अंदर की तरफ, तो बी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर टू भी हो गया आपका। क्वेश्चन थ्री कह रहा है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, सी ऑप्शन डीएनए प्रोटीन, डी इज आरएनए। तो इसका सही जवाब है सी, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, तो थर्ड का हो गया आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट ए फंक्शन ऑफ राइबोसोम, कह रहे कौन से फंक्शन राइबोसोम के नहीं हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, क्या ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, तो बेसिकली ये तो सही है, नहीं पूछ रहे हैं कि राइबोसोम के फंक्शन कौन से नहीं। तो पहला ऑप्शन राइबोसोम में प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, सही है, इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स। सेकेंड ऑप्शन थी इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्मोन्स, थर्ड है इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्मोन्स, तो बेसिकली ये गलत जवाब है, हॉर्मोन्स नहीं बनाते, इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्मोन, ये गलत है। और बेसिकली इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल, ये कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, तो ये भी नहीं बनाते हैं बेसिकली, ये प्रोटीन बनाते हैं और एंजाइम्स। तो बेसिकली फर्स्ट सेकंड तो सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि राइबोसोम का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो हॉर्मोन स्टार्च नहीं बनाते हैं, तो थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में आ रहा है, सी में, तो सी इज़ करेक्ट, फोर्थ का क्या हो गया, सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, चार क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं इस पेज के, तो अगले पेज पे चलते हैं और वन बाई वन डील करते हैं। अगला है विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कौन सा नहीं है, तो बेसिकली फिफ्थ की बात हो रही है, इट बिहेव एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करती है, ये बिल्कुल सही बात है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये ट्रांसपोर्ट चैनल है। बी ऑप्शन इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही बात है, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, ये गलत है, ये किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का, तो सीज मतलब सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है, मतलब सी रिलेटेड गलत है। इट कैन बी द साइट फॉर द सम बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये भी बिल्कुल सही है, सेल की बायोकेमिकल एक्टिविटी ये करता है, तो इसका सी गलत है, मतलब सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है। चलिए आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, फॉलोइंग आर ए फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, कुछ डेफिनेशंस आपको दे रखी हैं ऑस्मोसिस की, तो आपको बताना है, रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन, आपको सही बतानी है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा।
ठीक है, मतलब हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन मूवमेंट होता है, और सेमी पर मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल होनी चाहिए। एक करेक्ट हो गया। बी क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर, इसमें मेम्ब्रेन नहीं है तो इसलिए गलत हो गया। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हायर टू लोअर थ्रो परमिएबल, ये भी गलत है। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लोअर टू हायर थ्रो सेमी परमिएबल, इसमें लोअर से हायर हो गया तो इसलिए गलत हो गया, लोअर से हायर, हायर से लोअर होगा ना, तो सिक्स का ए इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। सेवन की बात करें, प्लास्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, प्लास्मोलिसिस क्या होता है बेसिकली, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक मीडियम, गलत, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। याद रखिएगा प्लास्मोलिसिस जो होती है न्यूक्लियोप्लाज्म, और सी ऑप्शन क्या है, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है बी, याद रखिएगा बी इज़ करेक्ट, क्योंकि इसमें श्रिंकेज जो होता है साइटोप्लाज्म का हाइपरटोनिक मीडियम, और जो प्लास्मोलिसिस जो होता है वो उसमें श्रिंकेज कॉन्ट्रेक्शन अवे फ्रॉम द सेल वॉल, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, सेल वॉल से दूर, क्योंकि सेल वॉल सेकेंड आउटर फर्स्ट आउटर कवरिंग है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो श्रिंकेज जो है हाइपरटोनिक, तो इसका बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन, कह रहे हैं किस पे सिंगल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, प्लास्टिड, तो बेसिकली याद रखिएगा इसमें वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट, तो बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन, फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस, इसमें गलत बताना है आपको, नाइन में गलत कौन सा है, तो नाइन में गोल्गी अपरेटस इन्वॉल्व इन द लाइसोसोम फॉर्मेशन, ये सही है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड हैव डीएनए, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड हैव डीएनए, हैंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है ये। और माइटोकॉन्ड्रिया इज सेट टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी ठीक है। साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये भी ठीक है क्योंकि वो लिविंग कंटेंट की बात हो रही है। इसका जो गलत है वो बेसिकली पहला, नाइन का जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो बेसिकली नाइन का क्या है, ए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि गोल्गी जो है लाइसोसोम को बनाती है, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर टेन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, सही जवाब कौन सा है, एक मिनट, बेसिकली अगर देखा जाए तो नाइन क्वेश्चन में माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो गया, ये ठीक है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए हैं, दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, बी भी ठीक है, सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर नाइन का साइटोप्लाज्म, गोल्गी जो है बेसिकली लाइसोसोम, ये गलत है, गोल्गी आरईआर बनाती है, लाइसोसोम कहाँ से, आरईआर इन्वॉल्व इन द लाइसोसोम, ठीक है, गोल्गी को लाइसोसोम बनाती है, ठीक है, तो बेसिकली इसका जो ए जो है आपका नाइन का वो गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, एंजाइम्स पैक इन लाइसोसोम, टेन की बात की जा रही है, तो बेसिकली एंजाइम्स पैक इन लाइसोसोम आर मेड अप थ्रू आरईआर, एंजाइम जो लाइसोसोम के होते हैं वो कौन, आरईआर बनाती है, ए ऑप्शन, और बेसिकली बिल्कुल सही जवाब है। और आरईआर एंड आईसीआर प्रोटीज लिपिड प्रोटीन, गलत, दोनों नहीं बनाती, आरईआर बनाती प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलेटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी गलत है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, यूकेरियोटिक न्यूक्लियस, यूकेरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए न्यूक्लियोइड, ये आपका जो स्टेटमेंट है बेसिकली, आगे की तरफ देखते हैं क्या है, ए, टेन का अगर हम देखें बेसिकली तो टेन का ए है, ए ठीक है, ए, एंजाइमेटिक पैक इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू आरईआर, ठीक है, बाकी सब गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकिंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स, सेल के अंदर से ड्रग्स निकालने का काम किसका, तो गोल्गी, लाइसोसोम, एसईआर, वैक्यूल, तो बेसिकली सी इज करेक्ट। इसका जो सही जवाब है वो बेसिकली क्या है, सी, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाई, प्रोटीन और लिपिड जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन को बिल्डअप करती है, वो कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया, तो बेसिकली अगर हम 12 की बात करें तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, तो ए इज करेक्ट, 12 का ए। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट आल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड, डी इज करेक्ट, 13 का डी। द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स शुगर, फ्रॉम सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर जो बनाती है बेसिकली वो कौन बनाता है, तो गोल्गी का काम है सिंपल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने का काम, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स, दैट इज गोल्गी।
विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल, कह रहे हैं वैक्यूल का फंक्शन कौन सा नहीं है, स्टोरेज प्रोवाइडिंग ट्रेजेडी रेजेडी ये भी है, वेस्ट एक्सक्रीशन, लोकोमोशन नहीं है इसका, डी इज करेक्ट, मतलब डी वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। 16 अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस टर्म एज, ये किस प्रोसेस से बेसिकली अमीबा की बात हो रही है, वो किस प्रोसेस, तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से फूड एक्वायर करता है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ द विच वन सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड ऑफ सेलुलोज, किसकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी हुई होती है बताना आपको, तो बैक्टीरिया हाइड्रिला और बेसिकली मैंगो ट्री कैक्टस। तो अगर हम 17 की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर याद रखिएगा मैंगो बेसिकली सेल वॉल्स कैक्टस की भी होगी, हाइड्रिला बेसिकली बैक्टीरिया, इसकी पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है याद रखिएगा। तो 17 का ए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 17, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है 18 इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज्ड टू स्टडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कह रहे हैं कि किसका इस्तेमाल किया जाता है, गोल्गी एपरेटस न्यूक्लियस में, तो याद गोल्गी की अगर स्टडी करनी है तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ब्लैक रिएक्शन के नाम से मशहूर है, उसको आप पढ़िए। 18 का बी क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं जिसमें, मतलब न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही होता है, और किस में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ए गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तो बेसिकली इसका सी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है खुद का। क्वेश्चन नंबर 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, सी इज करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल। लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथिसाइज बाई, बेसिकली लिपिड कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखिएगा क्या बनाती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, सॉरी लिपिड मॉलिक्यूल, रफ क्या बनाती है, बी, तो इसका ए है 21 का ए, इसका सी, इसका बी, कोई कन्फ्यूजन हो तो आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉल्स, किसने कहा था सेल पुराने सेलों से आते हैं, हेकल ने कहा था, विर्चो, हुक, स्लेडन, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली विर्चो ने दिया था, बी इज करेक्ट। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय, सेल थ्योरी किसने दी थी, शेलडन शॉन, तो इसका ए हो गया। द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल, कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई देता है, तो बेसिकली वो है राइबोसोम, बी इज करेक्ट। ऑर्गेनेल विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन, जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती याद रखिएगा, तो बेसिकली याद रखिएगा वो राइबोसोम ही है, तो ए इज करेक्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है प्यारे, आप इनको पढ़िए और ये आपके एंट्रेंस में काम आएंगे। चलिए 25 आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 माइक्रोमीटर 10^-6 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, और लाइसोसोम अराइज फ्रॉम, कह रहे हैं लाइसोसोम कहाँ से अराइज हुआ है, तो बेसिकली वो गोल्गी से अराइज हुआ है, तो बी इज करेक्ट, इसका ए है। लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाई, कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, 28 की बात हो रही है, तो लिविंग सेल को लीवेनहॉक ने डिस्कवर्ड किया था, तो सी इज करेक्ट। डेड सेल रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा लिविंग सेल की बात हो रही है। सिलेक्ट द ऑड वन आउट, कह रहे हैं ऑड वन को बताना आपको, इसमें ऑड कौन सा है, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर एक्रॉस ए सेमी परमियल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट, उसमें कितना आपने सॉल्यूट मिलाया वो उससे जो है सेमी परमियल मेम्ब्रेन का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट उससे अफेक्ट होगा सॉल्यूट मिला। दूसरा, मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड लिपिड, सही बात है। मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर इजिली पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ये भी सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन शुगर इन प्लांट, ये गलत है, काइटिन फंगस में पाई जाती है, तो ये ऑड है याद रखिएगा, तो डी इज ऑड, मतलब डी इसका ऑड ऑप्शन है, बाकी सब सिमिलर हैं। तो ये हमने, इट इज़ ऑल अबाउट 29 क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी अच्छा है, सिल्वर नाइट्रेट की बात की गई, और क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छा है। तो ये सब वन बाई वन हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के डिस्कस किए, तो बेसिकली आप इनको पढ़िए। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।